जनहिताची कामे करणाऱ्यांचा भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणाऱ्यांचा ओघ सातत्याने वाढत आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांची कार्यकुशलता आणि भाजपचे विकासाचे राजकारण यामुळे भाजपची लोकप्रियता वाढत आहे. त्यातूनच उल्वे नोडच्या सेक्टर 2-3-5 मधील शेतकरी कामगार पक्षाच्या सक्रिय महिला कार्यकर्त्यांनी सोमवारी भाजपचा झेंडा हाती घेतला आहे. माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी सर्व प्रवेशकर्त्यांचे भाजपमध्ये स्वागत केले आहे. लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या पनवेल येथील निवासस्थानी झालेल्या पक्षप्रवेशात शेकापच्या शीतल पाटील, निर्मला पाटील, शोभा पाटील, सीमा पटेल, कंचना, संगीता प्रसाद, सरिता चौधरी, माया पटेल, गीता राजभर, रेखा तिवारी, अनिता चौहान, सुनीता राजभर, सुमन चौहान, अंकिता शर्मा, पार्वती निसाद यांनी भाजपमध्ये जाहीर पक्षप्रवेश केला. यावेळी भाजपच्या महिला मोर्चा अध्यक्ष तथा पंचायत समिती सदस्य रत्नप्रभा घरत, जिल्हा प्रवक्ते वाय टी देशमुख, कामगार नेते सुरेश पाटील, अल्पसंख्याक सेलचे अध्यक्ष अकबर सय्यद, उल्वे नोड 1 चे अध्यक्ष मदन पाटील, रवींद्र शिंदे, उल्वे नोड 2 चे उपाध्यक्ष सी एल ठाकूर, उल्वे नोड महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष विनिशा मुंबईकर, चिटणीस संगीता शिंदे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले व प्रवेश केलेल्या महिलांचे अभिनंदन केले. महिलाओं में आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सुविधा मिल रही है, बहुत सारे प्रशिक्षण उनके लिए सरकार ने डिक्लेयर की है. और ये हमारी शीतल सचिन पाटिल नाम है इनके, और कांचन इनके नेतृत्व में उल्वा नोड में कुछ कोर्सेस वहाँ शुरू किए जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर के, सिलाई के, और उसके माध्यम से बहुत सारी महिलाओं के लिए वहाँ उद्योग जगत में एंट्री करने का चांस मिल रहा है, संधि मिल रही है. बहुत सारी महिलाएं और अन्य जाति धर्म के लोग भी वहाँ जो रहते हैं वो सब बीजेपी में आने के लिए तैयार है. आज उसका एक नमूना यहाँ दिखाई दे रहा है कि 15-20 महिला आज यहाँ पार्टी में प्रवेश करने के लिए आई है. मैं सबका इनका पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं, और युवानों बीजेपी की तरफ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिलाने का और हर काम में तकलीफ में आपके साथ में रहने का वादा करता हूं.